राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी संसदेत अभिभाषण केले. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी नव्या संसद भवन इमारतीमधील त्यांचे हे पहिलेच भाषण असल्याचे सांगितले. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करण्याआधी ऐतिहासिक सुवर्ण राजदंड सेंगोलचे अनुष्ठान केले गेले. भारतीय संविधान लागू होऊन 75 वर्षे झाली आहेत. मागच्या वर्षात भारताने अनेक ऐतिहासिक टप्पे गाठले. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत पहिला देश ठरला. G20 शिखर परिषदेच्या यशामुळे जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका आणखी सशक्त झाली आहे, असे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या. माननीय सदस्यगण, सभीका नमस्कार. इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है. बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है. इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए. दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना. लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है. भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना. भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया. धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई. ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला राम मंदिर निर्माण, जम्मू काश्मीर मधील अनुच्छेद 370 काढून टाकणे अशा कामांचा उल्लेख केला. तसेच तिहेरी तलाक विरोधातील आणि नारी शक्ती बंधन कायद्याचा उल्लेख केला. आमच्या सरकारने लाखो युवकांना नोकऱ्या दिल्या. नारी शक्ती बंधन विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभेत आरक्षण दिले. आशियाई खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी 100 अधिक पदके जिंकली. प्राप्तिकर भरणाऱ्या लोकांची संख्या 3 कोटींवरून 8 कोटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. ही सगळी कामे अचानक झालेली नाहीत. मागच्या 10 वर्षातील साधनतेचा हा परिपाक आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या. राष्ट्रपतींच्या भाषणावर सत्ताधारी खासदारांनी बाकं वाजवून जोरदार प्रतिसाद दिला. 100 अधिक मेडल जीते. पारा एशियाई खेलों में भी 100 अधिक मेडल जीते. भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला. भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली. भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना. भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की. पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है. माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए. ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं. ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है. 3 दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ.
राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, आमच्या सरकारने मानव केंद्रित विकासावर भर दिला. नागरिकांची प्रतिष्ठा आमच्यासाठी सर्वात महत्वाची आहे. संविधानाचे प्रत्येक अनुच्छेद हेच सांगते. आमच्या सरकारने सर्वात मागास जातींवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्यासाठी 24,000 कोटींची PM जनमन योजना तयार केली. दिव्यांगजनांसाठी सुगम्य भारत अभियान चालवले. भारताच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम आणण्याचा प्रयत्न केला. तृतीयपंथीयांना सन्मान देण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा मंजूर केल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा. जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहाँ भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा. इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया. इससे तेलंगाना में समोक्का सोरोक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का सरास्ता सुगम हुआ. पिछले वर्ष CS-DOR अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है. मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है. इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है. माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए.